नमस्कार दोस्तों दोस्तों बिग बॉस ओटीटी 3 में शिवानी कुमारी और पौलमी दास के झगड़े को लेकर कुछ लोग चूतिया टाइप की अफवाह फैला रहे हैं। कह रहे हैं कि शिवानी कुमारी ने पौलमी दास को जोर से धक्का दे दिया, पौलमी दास धड़ाम से गिर गई और उसको बहुत भारी चोट आ गई है। क्या दोस्तों आप भी ऐसा मानते हो? अगर हाँ तो ये बिल्कुल झूठ है। अगर विश्वास नहीं होता है तो इस वीडियो को देखिए। दरअसल ये वही वीडियो है जिसमें पौलमी दास और शिवानी कुमारी के झगड़े को लेकर बात कही जा रही है। दरअसल इस वीडियो में एक गेम होता है जिसमें उस छोटे से ब्रिज के उस पार रखी हुई बॉल को उठाकर जल्दी से अपने अपने कमरे में रखना होता है। यह गेम दो लोगों के बीच शुरू होता है जिसमें कि एक लड़का होता है एक लड़की, लड़की शिवानी कुमारी होती है और लड़का एक होता है। लेकिन साजिश के तहत बिग बॉस से शिवानी कुमारी को निकलवाने के लिए पौलमी दास ने उस लड़के को जबरन हटा देती है और उसके स्थान पर खुद गेम खेलना शुरू करती है। जब गेम शुरू होता है तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं दोनों अपने अपने हाथ एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को पछाड़ कर गेम को पूरा करना चाहती हैं। लेकिन दौड़ते दौड़ते अंत में दोनों गिर जाती हैं। पौलमी दास पहले गिर जाती है, शिवानी कुमारी कुछ दूर जाकर गिर जाती है। लेकिन गेम को पूरा करने के लिए शिवानी कुमारी झट से उठती है, बॉल उठाती है और अपने कमरे में चली जाती है। बिग बॉस के कैमरे के मुताबिक शिवानी कुमारी जब अपने कमरे में जा रही होती है तब वो दो बार लंगड़ाती है क्योंकि उसके घुटनों में चोट लगी होती है और खून बह रहा होता है। लेकिन गेम को पूरा करने के लिए शिवानी कुमारी जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन गेम उनको छोड़ के पौलमी दास वहीं पे सुअर की तरह लेट जाती है। अब उसको उठाने के लिए सारे सरी छपरी एक हो जाते हैं और शिवानी के ऊपर दोष मढ़ देते हैं कि शिवानी कुमारी ने पौलमी दास को जोर से धक्का दे दिया और इसको भीतरी बहुत बड़ी चोट लग गई है। लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। अब इसका उदाहरण ऐसे समझो कि जब आर्मी की भर्ती होती है तब एक साथ सैकड़ों लोगों को दौड़ने के लिए छोड़ा जाता है, लेकिन जो पीछे होते हैं वो धक्का मुक्की करते हुए आगे निकलते हैं। अगर मान लो आगे निकल गए और रेस जीत गए तो आप क्या कहोगे कि नहीं यार ये तो इसे नहीं माना जाएगा, ये तो धक्का मुक्की करके आ रहा है। भैया वो धक्का मुक्की करने के लिए ही एक साथ सैकड़ों लोगों को छोड़ा जाता है, ठीक है। बाकी तुम्हें अगर पता है कि भैया हमें आर्मी की भर्ती देखनी है तो उन सैकड़ों के बीच में धक्का मुक्की के बीच में संभलना सीखो, ठीक है, तभी जाकर तुम आर्मी की भर्ती देख पाओगे और आर्मी में भर्ती हो पाओगे। वैसे भी यहाँ पे गेम चल रहा है और आप देख सकते हो कि जिस पूल पे वो दौड़ रही थी वहां सिर्फ सिंगल व्यक्ति ही जा सकता है, डबल व्यक्ति दौड़कर नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी उस गेम के लिए दौड़ाया जा रहा है तो भाई धक्का मुक्की तो होगी ना। और पौलमी दास के गिरने का दूसरा कारण यह है कि जब गेम शुरू होता है तो उस समय शिवानी कुमारी जूता पहनी हुई होती है और पौलमी दास एक हाथ की सैंडल जिसके नीचे एक बित्ता का हील लगा हुआ होता है, यानी ऊंची एड़ी वाली सैंडल पहनी हुई थी। तो भाई ऊंची एड़ी वाली सैंडल पहन के तो दौड़ नहीं सकती ना, लेकिन दौड़ी तो भाई लड़खड़ा कर गिर गई। वो तो गेम है, गिर पड़ी, तुम पहने हो इतनी भारी, जब नहीं चल पाती तो काहे इतनी भारी जूती पहन लेती। पौलमी दास के गिरने का ये मेन कारण है, लेकिन वो अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए शिवानी कुमारी के ऊपर दोष मल रही है। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जूता पहनकर दौड़ने वाली लड़की सैंडल पहनकर दौड़ने वाली लड़की के मुकाबले ज्यादा तेज भागेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि सैंडल पहनकर दौड़ने वाली लड़की गिर भी सकती है लेकिन जूता पहनकर दौड़ने वाली लड़की नहीं गिर सकती। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पौलमी दास के गिरने का कारण उसका खुद का सैंडल है, ना कि शिवानी कुमारी। और वैसे भी शिवानी कुमारी के साथ मुकाबला करने में पौलमी दास गिर गई तो भाई मानना पड़ेगा कि शिवानी कुमारी गांव की छोरी है, ना कि पौलमी दास की तरह शहरी छपरी, ठीक है।